हेलो गाइस, वेलकम बैक स्मार्ट अर्निंग साइड। दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग साइडों के बारे में, तो सबसे पहला सवाल मन पे ये आता है कि यार हमारा जो डाटा है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है, यानी कि हमारी प्राइवेसी, जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम सबमिट करते हैं, पासवर्ड सबमिट करते हैं, क्या उसे कोई थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर सकती है, या जो ट्रैकर होते हैं वो हमारी एक्टिविटी को देख रहे हैं कि हम अभी इस समय क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं और आप सिक्योर रहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, इसके अलावा जो आपकी ब्राउजिंग स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पे फालतू की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं जिसमें हमारा समय वेस्ट होता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्रेव ब्राउजर के बारे में, जहाँ पे आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और वो कैसे मिलता है, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम सभी काफ़ी समय से इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट आती हैं देखने को, वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई जाती हैं, चाहे वो पॉपअप ऐड हो, बैनर ऐड हो, वगैरह वगैरह। ऐसे में गाइस, ब्रेव ब्राउज़र आपको काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि ये सारे ऐड को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पे आपकी जो फालतू की एडवर्टीजमेंट होती हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। और ये एक रिवॉर्ड सिस्टम भी चलाता है, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। चलिए जानते हैं ये काम कैसे करता है और कैसे आपको फास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर किया गया है CNN.com साइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ब्राउजर लिए गए हैं, क्रोम, मोजिला और ब्रेव ब्राउजर, जिसने 2.55 सेकेंड में कम्प्लीट कर लिया है। मगर अनदर ब्राउजर आप देखते हैं तो इन्होंने काफ़ी समय यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी वेबसाइट खोली गई है CBSNews.com, और यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितना फास्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है किसी अनदर ब्राउजर से। इसी तरीके से FoxNews.com का भी कंपेयर किया गया है। तो गाइस, यही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस ब्राउजर को यूज करके अपने समय की बचत कर सकते हैं और भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं इस ब्राउजर की मदद से। दोस्तों, अब बात करते हैं सेव मनी को लेके। गाइस, यहाँ पे इसका कहना है नो मोर डाटा चार्ज टू डाउनलोड अनवांटेड कॉन्टेंट, और बात भी बिल्कुल सही है। जो भी हमें फालतू के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है, वहाँ पे हमारी जो ब्राउजिंग स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो डाटा होता है वो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे चार्ज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे $23 तक बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ईयरली बेसिस की बात करो तो $276 तक आप बचा सकते हैं अपने ब्रेव ब्राउजर की मदद से। दोस्तों, ब्रेव ब्राउजर आपके जो अनवांटेड कॉन्टेंट होते हैं उनको कुछ इस तरीके से ब्लॉक करता है, और ट्रैकिंग सिस्टम को भी ब्लॉक करता है। यहाँ पे जो आपका समय होता है सेव, उसको भी दिखाता है। इसके अलावा अगर किसी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या वहाँ पे कुछ बूट लगे हैं आपको ट्रैक करने के लिए, तो वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो शो कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं वो मंथली बेसिस पे मिलते हैं, यानी कि अगर आपको यहाँ से रिवॉर्ड अर्न करने हैं तो आपको एवरी 30 डेज बाद कुछ रिवॉर्ड पॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो भी ब्लॉक साइटें हैं या जो भी साइटें इसने ब्लॉक करी हैं, जो फालतू की एडवर्टीजमेंट साइटें होती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ये मैं आगे चल के यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनवांटेड जो स्क्रिप्ट होती हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड ब्रीफ का ऑप्शन होगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है इसको डाउनलोड करने के लिए। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसके अलावा आप इस ब्राउजर को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल में भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, ब्राउजर को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इसका ऑप्शन ओपन होकर आता है। तो आपको यहाँ पे लेस को पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते जाना है। और डन पे फाइनली आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे जो ब्राउजर है इसको मैंने अभी भी डाउनलोड किया है यहाँ पे, इसलिए 0 ट्रैकिंग ब्लॉक दिखा रहा है, एड्स ब्लॉक दिखा रहा है। ठीक है, तो किसी एक साइट को मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं CNN.com का ही आपको दिखाऊंगा। और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो गाइस, यहाँ पे ये साइट हमारे सामने ओपन होके आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने सारे इसने ट्रैकरों को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, जो एडवर्टीजमेंट फालतू की आती हैं या जो फालतू की एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती हैं, तो लगभग 22 के आसपास इसने ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा ट्रैकिंग अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पे आज तक की साइट जो है सर्च करता हूँ, और जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे आज तक की वेबसाइट में विजिट करूंगा।
तो गाइस आप देख सकते हैं कितना फास्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कई सारे जो ट्रैक हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट होती हैं फालतू की, उनको इसने ब्लॉक कर दिया है, और अभी तक लगभग 11 एडवर्टीजमेंट को इसने ब्लॉक किया है। ओके 12 हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट पेज में जाते हैं यानी कि नेक्स्ट टैब ओपन करते हैं, तो ये आपको दिखा देता है इसने अभी तक 5 ट्रैकर को ब्लॉक किया है, 60 ऐड ब्लॉक किया है, इसके अलावा जो 4 सेकंड का आपका टाइम सेव हुआ है। दोस्तों अभी कई सारे लोग बोलते हैं ना कि इससे हम अर्निंग कैसे करें, ये जो हमारा रेफर लिंक होता है उसको हम कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड का सिस्टम होता है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ब्रीव रिवॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन रिवॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है ब्रीव रिवॉर्ड के ऑप्शन में। तो गाइस जैसे ही आप इसमें विजिट करते हैं तो ये आपसे पूछता है क्या आप इंटरेस्टेड रखते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट को अर्निंग करने के लिए। तो हमें यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे अपना जो वॉलेट होता है उसको क्रेडिट करने के लिए बोलता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से ओपन होके आ चुका है, ठीक है। और एवरी 30 डेज के बाद यहाँ पे आपको 30 वेट टोकन रिसीव होंगे, यानी कि 30 वेट टोकन ये आपको गिव अवे करता है अगर आप यहाँ पे 30 डेज तक एक्टिव रहते हैं। कुल मिला के अगर आप कहते हैं तो एक दिन का आपको यहाँ पे 1 वेट टोकन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर आपको मिलता है टिप का, वो क्या होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। जो भी साइड है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करी होती है मंथली बेसिस पे, या जो भी टोकन आप अर्न करते हैं उसे किसी पर्सन को आप टिप भी कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला हुआ है अपना, यानी कि मैंने अपना जो है ब्रांड यहाँ पे लिंक करा हुआ है, और आप भी इसी तरीके से यहाँ पे रिवॉर्ड को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप किसी को टिप देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस पर्सन को टिप देना चाहता हूँ जो कि मेरा चैनल है, तो यहाँ पे आपको सेंड टिप का ऑप्शन मिल जाएगा, और जितने भी बेट आपके टोकन यहाँ पे रहेंगे उनको आप इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मेरे टोकन इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने जो है अकाउंट अभी नया क्रिएट किया हुआ है, और अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। और एवरी मंथ के बाद आपको यहाँ पे 30 बेट टोकन मिल जाएंगे जिसको आप रिवॉर्ड के तौर पे किसी को भी सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ब्रेव ब्राउजर में आपको एक और फीचर मिलता है रेफरल प्रोग्राम का, जहाँ पे आप रेफर करके भी टोकन अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है 1 मिलियन टोकन जो इसकी लिमिट है 31 दिसंबर 2019 तक। ओके तो अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इसके रेफरल प्रोग्राम को साइन अप करना पड़ेगा, तो चलिए हम आगे का प्रोसेस इसमें कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपको पब्लिशर बेसिक अटेंशन टोकन .org पे विजिट करना पड़ेगा, और ये जो साइन अप का ऑप्शन होता है आपको सिंपली यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो अपना अकाउंट आपको बनाना है, और इसके लिए आपको यहाँ पे अपने मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपली आपकी जो मेल आईडी है उसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही आप अपनी मेल आईडी सबमिट करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट में क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, और कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे लिंक आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आप सेम तरीके से आप अपने मेल पे जाइए और यहाँ पे वेरीफाई करिए, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे साइन इन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको उसी तरीके से अपनी मेल आईडी सबमिट करनी है और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो आपकी मेल पे एक मेल आता है जिसको आपको वेरीफाई करना है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है मेल पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और हम इसको सिंपली ओपन करेंगे। दोस्तों आपकी जो जीमेल आईडी होती है ना, इसमें भी एक ऐड को इसने ब्लॉक किया हुआ है, ये भी मेरे को दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिट आपको ये पहुँचा सकता है। और अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सिंपली लॉगिन इन टू ब्रेव रिवॉर्ड में क्लिक करना है, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। आपके जो भी रेफरल होंगे उसका रेफरल लिंक रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो रेफरल लिंक रहेगा उसको रिसीव करने के लिए फर्स्टली आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो है एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल अपने अकाउंट को करिए, इसके लिए आपको यहाँ पे चैनल बनाना पड़ता है। तो अभी करना क्या है चैनल बनाने के लिए, आपको देखिए यहाँ पे ऐड चैनल का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप नीचे विजिट कर सकते हैं या ऊपर भी आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे ऐड चैनल का, किसी में भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही आप ऐड चैनल पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है क्या आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या ट्विच चैनल पे आपका अकाउंट है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना जो यूट्यूब चैनल था उसको सेलेक्ट किया है। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो कोई बात नहीं,
आपकी जो जीमेल आईडी होगी उसी से आप यूट्यूब में जो है लॉगिन करिए और वहाँ पे क्रेडिट चैनल का एक ऑप्शन होगा, उसमें आप क्लिक करके अपना एक चैनल बना लीजिए। वहाँ से आप इसको लिंक करके इसी तरीके से सेम यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो आपका रेफर लिंक का ये ऑप्शन आ जाता है। कल मुझे एक पर्सन ने पूछा था कि कैसे अपना जो रेफर लिंक होगा उसको रिसीव करना है, तो स्टार्टिंग में गाइस ये जो रेफर लिंक था मेरे को यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाया कि आपका जो रेफर लिंक है वो एलिजिबल नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एड चैनल करना पड़ेगा, और या तो अपने वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल के जरिए, और सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड आपको करूंगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि ये काफी आसान है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उसी से आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और ये काफी आसान है, कई सारे लोगों ने बनाया है, उसको आप यूट्यूब में देखिए कि कैसे अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपका मेल आईडी ओपन होकर आ जाएगा, और अगर आपने इस मेल आईडी के जरिए अपना चैनल बनाया होगा तो वो आपका शो हो जाएगा, उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाता है जिसमें आप अपने रेफर लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था यहाँ पे फीचर अपने जो है रेफर लिंक को रिसीव करने के लिए, क्योंकि कई सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपना रेफर लिंक यहाँ पे रिसीव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, ये लगभग 24 आवर तक ले सकता है आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, और मेरा जो अकाउंट होता है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, कल ही को मैंने वेरीफाई किया था। और ये जो बैड टोकन होते हैं यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यानी कि मेरे को ये जो नेक्स्ट डिपॉजिट बैड टोकन देगा वो देगा 8 मई को। तो जो भी रिवॉर्ड आपके मिलते हैं यहाँ पे मिलते हैं, और इन्हीं रिवॉर्ड को आप अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे डाउनलाइन पे दिखा रहा है कि 15 लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है, मगर उन्होंने शायद अपना अकाउंट यहाँ पे जनरेट अभी तक नहीं किया है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेव रिवॉर्ड का था ये दोनों अलग है, यानी कि ये ब्रेव रिवॉर्ड तो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा जो भी आप एक्टिविटी करते हैं इस तरीके से, यानी कि ये मेरे को दिखा रहा है कि 20 बैड टोकन मिलेंगे मेरे को 8.17 के आसपास, और ये 25 मई को मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक साइडें होती हैं जिनको आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिलहाल अगर आप नहीं करना चाहते तो आपका चॉइस है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ब्लॉक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट करके उस कैटेगरी के अनुसार उसका अमाउंट उसको पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका एक बैकअप वॉलेट रहता है। मान लीजिए कभी आप धोखे से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, या कभी आपसे डिलीट हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके कंप्यूटर में, तो ये जो आपका वॉलेट होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप जरूर सेव करिए और सेव करके आप रख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में अगर यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड आप कलेक्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट अर्न करते हैं बैड टोकन, उनको आप रिकवर कर सकें। तो गाइस ये अपडेट था आज का ब्रेव रिवॉर्ड के बारे में, और आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे अर्निंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने रेफर भी करके अर्निंग कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप खुद भी इसको रन करके यानी कि चला के अर्निंग कर सकते हैं ब्रेव टोकन। दोस्तों आज का ये अपडेट था ब्रेव रिवॉर्ड के बारे में, ब्रेव ब्राउजर के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्मार्ट रिंग चैनल पे और इस तरीके से अपडेट चाहते हैं तो गाइस लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको बेहतर अपडेट मिल पाए इस तरीके से। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, गुड लक एंड स्मार्ट रनिंग।